जोर उठा तो कौन हसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। एक गुलाबो, यहाँ क्या कर रही है तू इस बस स्टॉप पे? हरमन जी, मैं जा रही हूँ, आप सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। कहाँ जा रही है तू? परमिशन ली तन्ने मारे से? शादी की है, कोई मजाक नहीं। मजाक तो मेरा बन गया है हरमन जी, आप ही तो चाहते थे कि मैं आपके साथ ना रहूं, इसीलिए जा रही हूँ आपको छोड़कर। तो अच्छा, तो अब मैं ही चाहता हूँ तू यहाँ से नहीं जाए। नहीं हरमन जी, मैं जाकर रहूंगी और मुझे मत रोकना। अच्छा जाएगी तू, जा जा, अभी बताता हूँ कैसे जाती है तू। जी हाँ, एक बार फिर से हरमन और सौम्या के बीच प्यार भरी नोकझोंक देखने को मिली। आज सौम्या ने फैसला कर लिया है हरमन और उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाने का। लेकिन हरमन के होते हुए आखिर सौम्या इतना बड़ा फैसला कैसे ले लेती? हरमन ने साफ साफ मना कर दिया कि वो उनकी जिंदगी से यूं इस तरह अचानक कहीं नहीं जा सकती। सौम्या विनती करती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन हरमन नहीं माने और उन्हें रोकने के लिए देखिए अपना हाथ भी जख्मी कर लिया। अब ऐसे में सौम्या को तो रुकना ही पड़ेगा ना। चाहत से मैं अपनी चलता रहा, खाम खावे वजह खाब बुन। हरमन के हाथों से खून निकलता देख सौम्या के होश उड़ गए और फौरन सौम्या ने हरमन के हाथों में ये पट्टी बांधी, तब जाकर हरमन का गुस्सा शांत हुआ। भाई आज तो हरमन की जिद के आगे सौम्या ने सरेंडर कर दिया, लेकिन देखते हैं कि कब तक हरमन की ये मनमानी सौम्या को उनके पास रोक पाएगी। आज तक ब्यूरो।